हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छी होंगी। तो आज मेरे स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेशन डे है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं बाहर। तो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। बहुत लोगों ने पूछा तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो बॉयकॉट लिस्ट में है और मैंने ये लास्ट ईयर ली थी स्कर्ट। अब दिखाओ क्या क्या लाए हो। क्या कह रहे थे अभी? आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, ओ ये एकेडमी के लिए है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आज सर्टिफिकेशन डे है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दिल दुख रहा है। हाँ यार, बहुत ज्यादा। और एक मंथ ऐसा लग रहा था कि एकदम गुजर जाएगा, पर हम अच्छे लग रहे हो सब। थैंक यू। तो एक महीने की इंटेंस प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स के बाद आज बच्चों को अलविदा करने का दिन आ गया है। आज है सर्टिफिकेशन डे, आज हम केक कट करेंगे, रिफ्रेशमेंट होएगा, थोड़ा सा डांस मस्ती। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे मैं आ गई हूँ जिम। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारे जिम में होती है स्टीम बात। तो मैंने ले ली है स्टीम बात। मुफासा की तबीयत उस दिन से ठीक नहीं है, तो आज मैं मुफू को डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। और इसका जो जख्म था, इंजेक्शंस लगे थे, ये भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और ये देखो, इसको ना कुछ भी नहीं खाने को लग रहा है, मेरा बच्चा कुछ भी खा रहा है, इसको लग ही नहीं रहा है। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के। मुफासा, ओए मुफासा, क्या हुआ उसको? हाय मिला बीटा। मुफू, हेलो। आप वो वाले पेरेंट्स बनोगे क्या कि जैसे ही कैमरामैन आता है एकदम वो उंगली दिखाना शुरू कर देते हैं, देखो बेटे देखो कैमरा। देखो बेटे देखो। जैसे वेडिंग की मूवीज आती थी तो जैसे ही कैमरामैन लेकर जाता था ना और उनके हाथ में बच्चा होता था तो वैसे उंगली दिखाते थे, देखो बेटा कैमरा देखो। बहुत सैड, व्हाट हैपेंड, इसको क्या हुआ? इसका जगह हो रहा है, ये बदमाश है, बच्ची बोल रही है, नॉटी है ये। बस बस चुप हो जा। आई ये कह रहा है कि नीचे छोड़ो, तो खाने की खुशबू आ रही है। छोड़ दो। हाँ, इसको ना अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। बेटे नीचे छोड़ दिया ना, वो देख रहे हो वो डॉगी, दोस्ती हो जाएगी उससे। अच्छा। इसने ये देखो क्या हाल कर दिया, मैं दे तो रही हूँ मुफासा। बुढ़े बच्चा बन रहा है कि घर में तो ये कुछ खाते नहीं और कहीं जाके इनकी खाने की भूख निकल आती है कि ये भी दे दो वो भी दे दो, और फिर कोई सोचता है कि इनको घर में कुछ नहीं मिलता। आज संडे है, जिम की छुट्टी है, तो पुराना अपना देसी ब्रेकफास्ट याद आ रहा था कि आज हम चाय और रस्क खाएंगे। तो आज हमने ये मलाई, तो टोस्ट पर मैंने मलाई लगा ली है। सो हाय गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ नानी अम्मी के घर पे। दानिया और अम्मी तो दो तीन दिन से वहीं पर ही हैं और वो मुझे डेली फोर्स कर रहे हैं कि तुम भी आओ तुम भी आओ। तो मैं भी आज फाइनली जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं आज फाइनली जा रही हूँ और जैद कर रहा है ड्राइविंग, फिंगर क्रॉस्ड। तो चलो मिलते हैं नानी अम्मी से, वहाँ जाकर मैं आपको दिखाऊंगी, नानी अम्मी से मिलवाऊंगी, स्टे ट्यून्ड। वैसे तो कोई मसला नहीं है, बस मसला ये है कि नानी का घर है और डाइट का क्या होगा,
इतने दिन से जो स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है ना, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस डाइट को स्ट्रिक्टली रखूं। अगर कुछ खाऊंगी भी तो बिल्कुल लिमिटेड ग्राम्स में ही खाऊंगी। और क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा यही कंट्रोल में ही रहना है। पहले पेट पूजा करा लेते हैं कार की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको भी तो खाना चाहिए बेचारी को। उसके बाद हमने डलवाई इसमें हवा। तो ये आ गए हैं हम देवबंद, आपको पता लग ही गया होगा। अब ये सामने है हमारे उर्दू दरवाजा। जैद आगे बकरे हैं। हाँ बचरे, चल बकरों के ऊपर न चढ़ा दियो गाड़ी भाई। हेलो बकरी भैया, ये लोग यहाँ पर लेटे हुए टीवी देख रहे हैं। सो गाइस दानिया को डराते हैं। एक काम करेंगे, नॉक करेंगे। गेट नॉक करो। तो आते ही इन लोगों ने मुझे खिला दी रसगुल्ले, और मेरा बढ़ गया 1 किलो वज़न। तो मैंने फटाफट पिया गर्म पानी और देखा क्या अम्मी क्या कर रही हैं। लेट्स सी, क्या बना रही हैं अम्मी? मैं रोटी बना रही हूँ और उधर कोरमा बन रहा है। अच्छा जी, दाने मुझे सीट पे बिठा। ये कोरमा बन रहा है जी। कोरमा मुर्गा। और नानी अम्मी क्या कर रही? तो क्योंकि मेरी कज़न के लड़का हुआ है तो मेरी मुमानी ने मुझे दी हैं मिठाइयाँ, एक अम्मी का डब्बा अलग और एक मेरा अलग। अब तो मेरा अलग आया करेगा, मज़े आ गए। तो शादी होने का कुछ तो फ़ायदा होता है, आपका मिठाई का डब्बा अलग आता है और अम्मी का अलग आता है। चलो ठीक है। ये मकड़ी कितनी अलग स्पीशीज की है यार। ये मकड़ी गायब है, ये एक मकड़ी अपनी जाल में से गायब है। तो गाइस क्या आपने ऐसी मकड़ी देखी है कभी? अगर हाँ तो मुझे इस मकड़ी का कमेंट सेक्शन में नाम बताओ कि इस मकड़ी को क्या कहते हैं और ये कौन सी स्पीशीज है, देखते हैं कौन सही बताएगा। तो गाइस मैं ना यहाँ पे टहल रही थी तो मैंने क्या देखा, ये मेरे नानाब्बा का खुरपा है। इसी खुरपे से मेरे नानाब्बा ने खेती की है, किसान थे वो, और इसी खुरपे से उन्होंने सब बच्चों को पाला है, उनको सक्सेसफुल बनाया है। और यही वो खुरपा है मेरे नानाब्बा की निशानी। इस घर में मेरे नानाब्बा की सभी निशानियाँ मौजूद हैं, जिसमें से ये खुरपा एक है। वाओ नानाब्बा, आई मिस यू। तो ये क्लॉक भी मेरे नानाब्बा के ज़माने की है, जब हम बहुत छोटे छोटे से थे। मैं तब से इस क्लॉक को देख रही हूँ, ये इस घर में ही लगी हुई है। और आज इसके सेल ख़त्म हो गए हैं, वही 9:05 आज तक इसका टाइम वहीं ठहर गया जो नानाब्बा के टाइम पर ये बंद हो गई थी। बस नानाब्बा के जाने के बाद बंद हो गई थी, तो आज तक इसका वक्त वहीं ठहरा हुआ है। तो इस घड़ी को देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा यादें, बचपन की यादें दिमाग में चल रही हैं कि हम छोटे छोटे आते थे, नानाब्बा लेटे हुए होते थे, उनकी ये घड़ी, और भी बहुत चीज़ें हैं नानाब्बा की। कहाँ गई, अभी तो खड़ी हुई इंतज़ार ही कर रही। ओह गॉड,
आई मिस नानी अम्मी। ओह मेरी मिठाई के डब्बे। तो अपने नानब्बा का रेडियो मैंने ले लिया है, इसको मैं ठीक कराऊंगी, इसमें सेल डलवाऊंगी। सहारनपुर में कोई शॉप है जो रेडियो ठीक करता हो? जुएब के पापा रेडियो ठीक, उन्हीं को देना पड़ेगा ना FM। तो दियोबंद से हम निकल रहे हैं। चलो गाड़ी क्यों स्लो कर ली, बस इतनी भी फास्ट नहीं। एम बॉडी फिटनेस जिम, मुझे ये है अलवी बॉडी, मुझे लगा आदिवासी बॉडी फिटनेस, मुझे लगा एम। क्या बात है, आदिवासी बॉडी, आदिवासी हेयर ऑयल। सुनिया सुनिया राता, दियोबंद के साथ बहुत ज्यादा यादें। अब खड़े तो सिर्फ भाई, देखो जल्दी दर में से। तो मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने देखा मुफासा इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, बहुत दिन बाद इसको खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।